अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ब्रांडेड रिटेल स्टोर नॉर्मली बड़े आराम से यू कैन आइडेंटिफाई कि वो तमाम रिटेलर्स जो कि ब्रांडेड गुड्स को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं टू द एंड कंज्यूमर दे हैव बीन कंसिडर्ड एज ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मौजूद नहीं है इस तरह के रिटेलर्स फूड में भी एग्जिस्ट करते हैं और नॉन फूड के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं इन द फूड कैटेगरीज और जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं इन दी नॉन फूड कैटेगरीज आप फॉर अगर आप रिकॉल करना चाहें जितनी एग्जाम्पल्स हमने पहले डिस्कस की किसी भी हवाले से अगर तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की एग्जांपल है तो ऑफ़कोर्स वो इस प्रोडक्ट वो रिटेलर जो है वो ब्रांडेड गुड का रिटेलर गुड्स का रिटेलर कहलाएगा जिस तरह अगर हम नाइकी के किसी स्टोर की बात करें अगर नाइकी के रिटेल आउटलेट की बात करें तो वो एक ब्रांडेड गुड्स का एक रिटेलर है इसी तरीके से अगर हम एडिडास के किसी स्टोर की बात करें वो एक ब्रांडेड गुड्स का रिटेलर है इसी तरीके से अगर हम से खाडी के स्टोर की बात करें या हम कैसरिया के स्टोर की बात करें या हम बरीज़े के किसी स्टोर की बात करें ये वो सारे रिटेल स्टोर हैं जो कि हमारे पास ब्रांडेड रिटेल स्टोर के तौर पर कहलाते हैं जो ब्रांडेड रिटेल स्टोर हैं वो दो कैटेगरीज़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सिंगल स्टोर्स भी हैं और चेन स्टोर भी हैं जिस तरह हमने अपनी पिछली एग्जांपल्स के अंदर दोनों को बड़े अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश किया इसी तरीके से आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ब्रांडेड के अंदर भी देर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज बहुत लो, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ सिंगल स्टोर के साथ सिंगल आउटलेट के साथ ऑपरेट करें दे आर ऑल दो ब्रांडेड स्टोर हैविंग देयर स्ट्रॉग नेम बट दे आर स्टिल ऑपरेटिंग विद सिंगल आउटलेट इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान के पैरामीटर के अंदर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादातर ब्रांडेड स्टोर्स मल्टीपल चेन के हवाले से यानी कि चेन स्टोर्स के हवाले से एग्जिस्ट करते हैं विच मीन्स दे हैव मल्टीपल स्टोर विद इन सिटी और विद इन अ कंट्री एग्जिस्ट करते हैं इसी तरीके से ब्रांडेड रिटेल आउटलेट जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी के अंदर भी हैं ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स भी हैं और अनऑर्गेनाइज्ड भी हैं नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि कोई भी एक स्टोर ब्रांडेड है तो आपको मेजॉरिटी ट्रेंड ज़्यादातर नज़र आएगा ऑर्गेनाइज कैटेगरी के हवाले से यानी कि ये कहना बड़ा आसान होगा कि नॉर्मली जो ब्रांडेड रिटेलर है वो ऑर्गेनाइज रिटेलर भी होता है लेकिन स्टिल आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स नज़र आएंगी जहां पर एक ब्रांडेड रिटेलर जो है वो एक अनऑर्गेनाइज तरीके से भी ऑपरेट कर रहा है इसकी कुछ एग्जांपल्स अभी मैं आगे आपको स्लाइड के अंदर शेयर भी करता हूं। इसी तरीके से ब्रांडेड रिटेलर जो है या ब्रांडेड रिटेल स्टोर जो है वो लोकली भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं सो देर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल चेन इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल रिटेलर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं और देर आर लॉट ऑफ लोकल रिटेलर जब मैं लोकल की बात करता हूँ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान के परस्पेक्टिव के अंदर तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चेन स्टोर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेट कर रहे हैं ब्रांडेड रिटेल स्टोर्स के साथ कुछ एग्ज़ाम्पल्स की तरफ आते हैं हमारे पास जिस तरीके से सबसे पहले मैंने ऊपर एग्जाम्पल शेयर की हुई है जे डॉट के हवाले से जे डॉट की एग्जाम्पल क्या है अगर आप डेफिनेशन के पैरामीटर के ऊपर इसको उतारें तो जे डॉट इज़ सेलिंग इज़ अ ब्रांड इज़ सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर इसका मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर ब्रांड है और ब्रांडेड रिटेल स्टोर के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है और इसी के ऊपर अगर हम देखते हैं तो अगेन हमारे पास वो तमाम टेक्सटाइल या ब्रांडेड स्टोर्स जो के काम कर रहे हैं जो के सेल कर रहे हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर जिस तरह मैंने नाइकी की एग्जांपल दी जिस तरीके से एडिडास की एग्जांपल दी पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने सफ़ायर की एग्जाम्पल डिस्कस की उससे पीछे हमने स्लाइड्स के अंदर हमने खार्डी की एग्जाम्पल डिस्कस की और इस तरीके से वो तमाम आउटलेट्स जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अगर मैं शूज़ कैटेगरी के अंदर बात करता हूँ जिस तरीके से सर्विस की एग्ज़ाम्पल बात की है स्पेसिफ़िकली तो आपको ये भी कह सकते हैं कि सर्विस है वो बेशक बाटा है वो स्टारलेट है या और भी कोई ब्रांड है जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है तो टू द एंड कंज्यूमर ई विल बी क्वालिफाई फॉर दिस डेफिनेशन और वो इस पैरामीटर के अंदर पूरा उतरता है हमारे पास दो नीचे एग्ज़ाम्पल्स हैं ये वो एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से लोकल सेलैरियों को एक्सप्लेन करती हैं सबसे पहले हमारे पास ब्रांडेड स्टोर की एग्जाम्पल है खलीफा बेकरी के हवाले से दिस बेकरी इज़ इंटरनेशनली नोन इज नॉट ओनली लोकली नोन इज इंटरनेशनली नोन लेकिन अगर इसको हम एग्जाम्पल को स्टडी करें तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से तो काम कर रहे हैं लेकिन दे आर ऑपरेटिंग विद ए सिंगल स्टोर सिंगल ब्रांडेड रिटेल आउटलेट इसी एग्जाम्पल के साथ आपको बानो साड़ी हाउस की एग्जाम्पल नजर आएगी अगेन एक रिटेलर है लाहौर बेस्ड है एंड वट दे आर डूइंग दे आर सेलिंग दे आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सर्विसज एंड कंज्यूमर और ये उस तरह का रिटेलर है जो कि अगेन एक चेन स्टोर की तौर पे एग्जिस्ट नहीं करता जो कि एक सिंगल रिटेलर के तौर पे एग्जिस्ट करता है एंड दे आर सेलिंग देयर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर हमारे पास बहुत सारे ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जो कि आपको नज़र आएंगी मैं अल्फ़ की बात करता हूँ सो इज़ ऑल्सो ब्रांडेड प्रोडक्ट सेलर है टू एंड कंज्यूमर और अगेन ब्रांडेड स्टोर के डेफिनेशन के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है ऑडिडो की एग्ज़ाम्पल है इंटरनेशनल स्टोर है इंटरनेशनल चेन है बहुत तेज़ी से एक्सपेंड रही है इंटरनेशनली और अगेन बट दे आर डूइंग द ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं सो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का रिटेलर है स्पार की एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास स्पार अगेन एन इंटरनेशनल चेन जो कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं टू द एंड कंज्यूमर और ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन सी हैं बिकॉज दे आर सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर सो ये ब्रांडेड रिटेल स्टोर के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है तो ये तमाम एग्ज़ाम्पल्स आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए अगर आप दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं कि ब्रांडेड रिटेलर स्टोर क्या है तो फ़ौर इस तरह की रेलिवेंट एग्जाम्पल्स को अपने सामने लेकर आएँ अपने सोच सोच में लेकर आएँ और एक्चुअली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या ये पर्टिकुलर स्टोर एक ब्रांडेड रिटेल स्टोर है या ये particular retail store एक पर्टिकुलर रिटेल स्टोर एक अनब्रांडेड रिटेल स्टोर है